नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और मैं आप सबको स्वागत करता हूं नया एक वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोग यूट्यूबर है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, इसको आप CTR नाम से भी जानते हो, तो इसका क्या फ़ायदा है, इसको कैसे इंक्रूज कर सकते हो, ये क्या है, सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग YouTube एंड टेक रिलेटेड वीडियोस पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि YouTube एंड टेक रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मैं अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, मेन टॉपिक में एंट्री करने से पहले हम लोगों को यहां पे समझना होगा व्हाट इज CTR, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यूट्यूबर हो तो आप एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हो, तो यूट्यूब का काम है कि यूट्यूब का जो ऑडियंस है, हो सकता है या वो आपका सब्सक्राइबर हो या नॉन सब्सक्राइबर हो, तो उन यूट्यूब का काम है कि वो वीडियो जितना मैक्सिमम हो सके सारे लोगों तक पहुंचाना, तो ये यूट्यूब का काम है। तो कैसे पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है आपका जो नॉर्मल थंबनेल होता है उसको पहुंचाता है, तो उसके जरिए आपका क्लिक आता है। तो क्या होता है, जब मैं एक वीडियो देखता हूँ, तो देखिए दाहिने साइड पे या मोबाइल से अगर देख रहे हो तो ठीक नीचे बहुत सारा सजेस्टेड वीडियो वहाँ पे सजेशन लिस्ट में आता है। तो एक्चुअली यही है इंप्रेशन, जितना सारा वीडियो आएगा, हो सकता है कोई वीडियो मेरे को पसंद आएगा तो उस वीडियो में मैं क्लिक करूंगा, तो उस चैनल का जो ओनर है वहाँ पे रेवेन्यू पहुँचेगा अगर उस वीडियो में ऐड चलेगा। तो इसी तरीके से यूट्यूब सारा जो सजेस्टेड वीडियो है या बहुत सारा उपाय है, इसके जरिए बहुत लोगों तक वीडियो पहुँचाता है। तो अगर पहुंचाता है, सपोज आप सोच लीजिए आपका कोई भी वीडियो है तो 100 लोगों को दिखाया, वहां पे जस्ट 20 लोगों ने क्लिक किया और आपका वीडियो 10 सेकंड 5 सेकंड जितना मर्जी वो लोग देखे, तो आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट हो गया आपका 20%। 100 में से अगर 20 क्लिक होगा तो 20% आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है। तो यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल जाएगा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट में देखिए 3 वर्ड है, इंप्रेशन, रेट एंड क्लिक। मतलब इंप्रेशन मतलब आपको दिखाएगा यूट्यूब, वहाँ पे क्लिक होना है, अगर होगा तो आपका रेट मिलेगा। तो आपका जो रेट है परसेंटेज में, आपका एज परसेंटेज आपका यूट्यूब में, यूट्यूब का जो स्टूडियो है जहाँ पे डेटा सारा कुछ वहाँ पे रहता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसा ही वहाँ पे क्लिक होता है, ऐसा ही कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग आते हैं CTR हम लोगों का जो रेवेन्यू है उस पर इफेक्ट किस तरीके से करता है। तो दोस्तों, एक बात आप सोच लीजिए, आपका वीडियो का CTR अगर ज़्यादा होगा तो मतलब वहाँ पे क्लिक ज़्यादा हुआ है, तो ही ना आपका CTR परसेंटेज आपको गेन हुआ है। तो CTR अगर ज़्यादा होगा तो व्यू ज़्यादा है, इसका मतलब व्यू ज़्यादा है, और व्यू अगर ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट चलने का जो चांसेस होता है, मतलब परसेंटेज वाइज वो भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट इसका मतलब है आपका चैनल पर ज़्यादा रेवेन्यू। तो ये सिंपल सा एक इक्वेशन है, मैक्सिमम मतलब CTR ज़्यादा मतलब आपका रेवेन्यू ज़्यादा, ये एक सिंपल सा एक इक्वेशन है। तो मतलब जिसका चैनल का CTR ज़्यादा है उसका रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, जिसका CTR कम है उसका रेवेन्यू थोड़ा कम आएगा। तो ये नॉर्मल सा एक फंडा है। तो अभी हम लोग, मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कैसे आप CTR को बढ़ा सकते हो, गेन कर सकते हो कुछ हद तक, तो ये भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, आप सारा दुनिया का अगर आप डेटा देख लीजिए तो यूट्यूब में जो भी सजेशन लिस्ट में कोई भी वीडियो आता है, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप डेस्कटॉप से खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो यूट्यूब या मोबाइल से, तो आप उसका कोई भी वीडियो आपको पसंद आएगा तो क्या देख के आपको पसंद आता है, आपको पहले आपका नज़र जाता है उसका थंबनेल पे। तो मतलब थंबनेल ही मेन है, 80-85% ऑलमोस्ट, ये परसेंटेज 80% ऑलमोस्ट जो यूट्यूब का व्यूज़ आता है वो आता है आपका थंबनेल से। मतलब अगर आपको CTR बढ़ाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपको थंबनेल बनाना है, तो थंबनेल में आपका फ़ोटो ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप फोटो यूज़ करोगे तो बाय द टाइम विथ टाइम हो सकता है एक दिन में नहीं होगा, एक साल या मतलब 6 महीना, डेढ़ साल ऐसा टाइम लेता है, पर वहाँ पे आपका फेस वैल्यू जनरेट होता है। फेस वैल्यू से क्या होता है कि आपका जो फेस है उसके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है ऑडियंस के साथ, तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका थंबनेल ज़्यादा अच्छा होगा तो ज़्यादा आपका वहाँ पे क्लिक आएगा, और थंबनेल में आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा लिखिए कि वहाँ पे थक से एकदम नज़र जाए, वहाँ पे सबका नोटिस वहाँ पे जाए और वहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट हो, अच्छा ये टॉपिक है, ये तो बहुत ही चल रहा है मार्केट में, तो चलो खोल के देखते हैं, प्ले करके देखते हैं। और आपका फोटो वहाँ पे होना चाहिए, और आपका एक एक्सप्रेशन जो फोटो होगा ना उस पर एक्सप्रेशन आप ज़रूर दीजिएगा, जैसा एक सैड वीडियो मतलब कोई बैड न्यूज़ का वीडियो है तो वहाँ पे आप सैड एक मतलब एक्सप्रेशन देके आप वहाँ पे आपका जो DP है, आप DP को अपना जो थंबनेल में लगाइए, तो इसके लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ खराब इसमें है, कुछ बैड न्यूज़ है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन ऐसा ही है। अगर आप कुछ खुश मतलब कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हो तो वहाँ पे आप उसको स्माइली दीजिए, कुछ इस तरीके से कुछ भी कीजिए,
तो मतलब आपका सारा चीज़ एज कम्बाइंड एक चीज़ आपका CTR नहीं बढ़ा सकता है। इतना सारा चीज़ आपका आपका हो गया, थंबनेल हो गया, आपका टाइटल हो गया, अभी टाइटल पे हम लोग आते हैं, इतना सारा चीज़ एक साथ आपका CTR जो उसको गेन कराता है। तो जो आपका अभी सेकेंड पोजिशन पर आते हैं, सेकेंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो आपका टाइटल, 20-25% जो लोग हैं दुनिया में जो लोग YouTube का ऑडियंस है तो वो लोग टाइटल भी पढ़ते हैं, तो टाइटल भी आपका थोड़ा टॉपिक वाइज सस्पेंस रहना चाहिए, टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक होना नहीं चाहिए, आप टॉपिक में रखिए टाइटल और उसके साथ आप सिर्फ एक हम कीजिए उसमें सस्पेंस थोड़ा क्रिएट कीजिए। और दूसरा देखिए यहाँ पर 20-25% टॉपिक पढ़ के भी आता है। अब थर्ड जो होता है वीडियो कॉन्टेंट, आप सोच रहे हो कि एक बार ऐसा उल्टा सीधा कुछ मतलब अट्रैक्टिव थंबनेल बना के ऑडियंस तो ला लिए, तो उसको रिटेंशन की भी ज़रूरत होता है, क्योंकि नहीं तो एक बार आप आपका चैनल पे क्लिक किया दोबारा कभी नहीं आएगा अगर कंटेंट में जाके अगर उसको अच्छा सा मटेरियल ना मिला तो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो तीन चीज़ हमने डिस्कस किया, एक हो गया आपका थंबनेल, सेकेंड हो गया आपका वीडियो का टाइटल, थर्ड हो गया आपका जो DP है एक्सप्रेशन वगैरह ये सब ले लीजिए। और एक अपडेट भी आया था इस अप्रैल महीने में, एक रिसेंटली एक अपडेट आया था कि आप जब भी डेस्कटॉप से देख रहे हो या मोबाइल से आप YouTube पे जो ऐप है उसको ओपन करके आप स्क्रॉल कर रहे हो ऊपर से नीचे जितना सारा वीडियो, तो देखोगे ऑटोमेटिकली वीडियो चलता रहेगा, तो ये भी आपका CTR में काउंट होगा। ये रिसेंटली अपडेट आया है, तो CTR का जो परसेंटेज है इसमें भी काउंट होता है, तो ये तो साफ हो गया, तो ये तो आपका आपके लिए अच्छा है क्योंकि एक्स्ट्रा आपको परसेंटेज मिल रहा है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, YouTube एंड टेक रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूँ, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।